अभिनय जिसका बना दबदबा, बोल लगे जिसके सत्य वचन, रहा बिखेरता जादू आवाज का, नाम है उसका अमिताभ बच्चन। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। अमिताभ बच्चन के तीसरे एपिसोड में जो सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में आप अमिताभ बच्चन से जुड़े कुछ करीबी, कुछ सुने तो कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में जानेंगे। अगर पिछले दो एपिसोड्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो बड़ी ही आसानी से डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन एपिसोड्स को कभी भी देख सकते हैं। साल 1997 में अमिताभ ने मृत्युदाता फिल्म में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर राम प्रसाद घायल नाम का किरदार अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार थे और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 17.37 करोड़ रुपए थी। साल 1998 में अमिताभ ने 3 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने उस साल सबसे पहले मेजर साहब नाम की फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म में अमिताभ ने मेजर जसबीर सिंह राणा नाम का किरदार अभिनय किया था। इसके बाद उसी साल उन्होंने दूसरी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक डेविड धवन थे और फिल्म में मुख्य किरदारों को अमिताभ बच्चन, गोविंदा, परेश रावल, रवीना टंडन और राम्या कृष्णन ने दर्शाया था। इस फिल्म में अमिताभ ने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उर्फ बड़े मियां नाम का किरदार अभिनय किया था। फिल्म को दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 20 करोड़ थी और वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर की कमाई 36 करोड़ रुपये थी। साल 1999 की बात करें तो उस साल अमिताभ ने 6 फिल्मों में काम किया था। सबसे पहले उस साल अमिताभ को केसी बोकाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म लाल बादशाह में देखा गया था। इस फिल्म में अमिताभ ने लाल बादशाह और रणबीर सिंह नाम का किरदार अभिनय किया था। उनके साथ फिल्म में मुख्य किरदारों को दर्शाते हुए रघुवरन, मनीषा कोयराला, शिल्पा शेट्टी और अमरीश पुरी को देखा गया था। फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया था और अपना सफल फिल्मों की सूची में नाम दर्ज किया था। साल 2000 में अमिताभ ने एक और बेहतरीन फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म का नाम है मोहब्बतें, जिसके निर्देशक आदित्य चोपड़ा रहे। इस फिल्म में अमिताभ ने नारायण शंकर नाम का किरदार अभिनय किया था, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम होता है। इस फिल्म ने दर्शकों का बहुत प्यार पाया था और फिल्म को सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्ज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 42 करोड़ रुपए थी और वर्ल्ड वाइड 90 करोड़ रुपए थी। साल 2003 में सबसे पहले अमिताभ ने फिल्म खुशी में एक कथा वचन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद अमिताभ को कैजाद गुस्ताद द्वारा निर्देशित फिल्म बूम में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने बड़े मियां नाम का किरदार दर्शाया था। फिल्म में मुख्य किरदारों को अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, जीनत अमान और कटरीना कैफ ने अभिनय किया था। फिल्म को दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और यकीन नहीं होता तो बस एक बार ट्रेलर ही देख लीजिए। उसी साल अमिताभ ने एक और सुपरहिट फिल्म में अभिनय किया था, जिसका नाम बागबान था। इस फिल्म के निर्देशक रवि चोपड़ा थे और फिल्म में अमिताभ ने राज मल्होत्रा नाम का किरदार अभिनय किया था। फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और फिल्म ने 21 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अपना नाम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में दर्ज किया था। अमिताभ ने फिर फिल्म देव, लक्ष्य, दीवार, क्यों हो गया ना, हम कौन है, वीर जारा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। इनमें से कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी कमाई की थी और कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना पड़ा था। साल 2005 की शुरुआत अमिताभ ने एक बड़ी फिल्म के साथ किया था। इस फिल्म का नाम ब्लैक था। फिल्म में अमिताभ ने देवराज सहाई नाम का किरदार अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली थे और फिल्म में मुख्य किरदारों को अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने दर्शाया था। इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर कभी भी मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 24 करोड़ रुपए थी। अगर आप अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी जानने में रुचि रखते हैं तो इससे आगे आने वाली जो भी फिल्में थी उनके बारे में आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट करके, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
चलिए चलते हैं और जानते हैं कैसा रहा अमिताभ बच्चन का टीवी शो का सफर। साल 1993 से 1994 डीडी मेट्रो शो देख भाई देख में निर्माता की भूमिका निभाई थी। साल 2000 से 2006 तक और 2010 से 2020 सोनी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते आ रहे हैं। साल 2009 कलर्स टीवी के शो बिग बॉस के सीजन 3 में होस्ट की भूमिका निभाई थी। साल 2011 में बीबीसी के शो द वन शो में मुख्य उपस्थिति दर्शाई थी। साल 2013 सोनी टीवी के शो भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप में अपनी आवाज का प्रयोग किया था। साल 2014 तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुख्य उपस्थिति दर्शाई थी। साल 2014 में आई ड्रामा सीरीज युद्ध में अमिताभ बच्चन ने युधिष्ठिर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार अभिनय किया था। साल 2015 स्काई वन के शो देसी रास्कल्स में मुख्य उपस्थिति दर्शाई थी। साल 2015 से 2016 स्टार प्लस के शो आज की रात है जिंदगी में होस्ट की भूमिका निभाई थी। साल 2016 से 17 डिज्नी चैनल के शो अस्त्रा फोर्स में अपनी आवाज का योगदान दिया था। अब इस एपिसोड के सबसे खास सेगमेंट की ओर चलते हैं, जहां हम आपको बताने वाले हैं बेहद रोचक तथ्य जो जुड़े हैं सबके चहीते अमिताभ बच्चन से। फिल्म आनंद में उनके साथ लीड एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना भी थे। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को काफी शोहरत हासिल हुई थी। फिल्म जंजीर के सुपरहिट होने के बाद अमिताभ के पास फिल्म मेकर्स की लाइन ही लगने लगी थी। अमिताभ बच्चन का फेवरेट नाम विजय है। उनकी 20 फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम विजय ही था। अब तक अमिताभ 205 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। इनमें से 14 फिल्मों में वे डबल रोल में नजर आए थे, तो वहीं महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया था। अमिताभ और जया ने लगभग 13 फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों को रोमांस करते हुए पहली बार नादिरा ने देखा था। इन दोनों की आखिरी कपल फिल्म द ग्रेट लीडर थी। जब अमिताभ को चोट आई थी तो अमिताभ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरे देश ने की थी। उनके करोड़ों प्रशंसक उनके लिए विशेष पूजा पाठ करवाते थे। वहीं उनकी पत्नी जया हर रोज हॉस्पिटल से सिद्धि विनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो कि लगभग 6 किलोमीटर दूर था। जब भी अमिताभ को किसी डेंजरस सीन को शूट करना होता था तो वे फिल्म यूनिट के सदस्यों को पहले ही बोल देते थे कि कोई भी उस सीन के बारे में जया को नहीं बताएगा। अमिताभ बच्चन की पसंदीदा एक्ट्रेस वहीदा रहमान है। उनका कहना है कि वे बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। अमिताभ बच्चन अपने बच्चों के साथ एकदम मजाकिया मूड में रहते हैं, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में वे अपने काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं। 2001 में अमिताभ को इजिप्ट में सदी के महानायक सम्मान से नवाजा गया था। बीबीसी न्यूज ने भी उन्हें सदी का महानायक करार दिया था। 2003 में फ्रांस के ड्यूविले टाउन ने उन्हें ऑनरेरी सिटीजनशिप प्रदान की थी। ब्रूस विलिस उन्हें हॉलीवुड स्टार से भी ऊपर मानते हैं। उनके दोनों बंगलों जलसा और प्रतीक्षा की कीमत 160 करोड़ से ऊपर है और जलसा उन्हें तोहफे में मिला था। मांसपेशियों की बीमारी होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने फिल्म अक्स के लिए 30 फुट की ऊंचाई से स्टंट दिए थे। अमिताभ बच्चन 1982 से हर रविवार को अपने प्रशंसकों से मुलाकात करते रहे हैं। वो खुद शहर में हो या नहीं, उनके बंगले के बाहर भारी तादाद में फैंस मौजूद रहते हैं। अमिताभ बच्चन को घड़ी और पेन इकट्ठे करने का भी शौक है। वे फोटोग्राफी के भी काफी शौकीन हैं। दुनिया को अपनी अदाकारी का फैन बनाने वाले अमिताभ बच्चन खुद महंगी कारों के फैन हैं। उनके कलेक्शन में बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, बेंटले ओरेंज आर, मिनी कूपर एस, रेंज रोवर वोग, टोयोटा लैंड क्रूजर, पोर्श कैमियोन एस और रोल्स रॉयस फैंटम जैसी कारें शामिल हैं। अमिताभ बच्चन पहले ऐसे एशियन थे जिनका वैक्स स्टैचू लंदन के तुसाद म्यूजियम में लगाया गया था। अमिताभ बच्चन के अभिनय और गायन के तो सभी कायल हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें एक और टैलेंट है। वे एम्बिडेक्ट्रस हैं, यानी कि वो अपने दोनों हाथों से आसानी से लिख सकते हैं। अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों में काफी सक्रिय हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मशास्त्र के लिए वे काफी मेहनत कर रहे हैं। वे बॉलीवुड के यंग स्टार्स के साथ काफी वक्त भी बिताते हैं। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ हिंदी फिल्म जगत का ही एहसास होता है। अपने साथ के दूसरे कलाकारों की तुलना में अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वे अक्सर अपने बच्चों की और अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हैं।
अमिताभ बच्चन फैशनेबल हैं और इस उम्र में भी रैंप पर अपना जलवा बिखेरते हैं। श्रीदेवी के निधन के कुछ समय पहले ही अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा था कि उन्हें कुछ होने का एहसास हो रहा है। वे श्रीदेवी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे और शायद उन्हें कुछ गलत होने का पूर्व आभास हो गया था। अमिताभ बच्चन की याददाश्त काफी तेज है, वे किसी के भी जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना संदेश देना नहीं भूलते। अभी भी वे सोशल मीडिया पर सबको विश करते हैं। अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के काफी करीब हैं और हर खास दिन को पूरे परिवार के साथ मनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं अमिताभ बच्चन के पसंद के बारे में। उनका पसंदीदा कलर व्हाइट, पसंदीदा खाना भिंडी की सब्जी और रोटी, पसंदीदा मिठाई जलेबी खीर और गुलाब जामुन, पसंदीदा परफ्यूम लोमानी, पसंदीदा कार BMW मर्सिडीज, पसंदीदा आउटफिट कुर्ता पजामा, पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, पसंदीदा गेम क्रिकेट, पसंदीदा क्रिकेटर युवराज सिंह हरभजन सिंह, पसंदीदा अभिनेत्री वहीदा रहमान, पसंदीदा गायक लता मंगेशकर और किशोर कुमार, पसंदीदा गाना ओ साथी रे, पसंदीदा फिल्म कागज के फूल, गंगा जमुना, ब्लैक, स्केयर फेस, गोन विद द विंड, पसंदीदा स्थल लंदन और स्विट्जरलैंड। अमिताभ को करियर में अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से और 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद सन 2015 में इन्हें पद्म आभूषण से भी सम्मानित किया गया। चलिए नजर डालते हैं इनके कुछ प्रमुख अवार्ड्स और उनकी फिल्मों के अनुसार जिनसे अमिताभ को नवाजा गया था। 5 सिविलियन अवार्ड्स, 8 ऑनरी डॉक्टरेट, 12 नेशनल अवार्ड्स, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 1 एशियन फिल्म अवार्ड, 11 स्क्रीन अवार्ड्स, 5 आईफा अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 4 अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूस गिल्ड अवार्ड्स, 4 इंडियन टेली अवार्ड्स, 1 इंडियन टेलीविजन अवार्ड, 2 बिग टेलीविजन अवार्ड, 1 स्टार परिवार अवार्ड, 12 स्टार डस्ट अवार्ड्स, 5 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, 16 इंटरनेशनल अवार्ड, 6 जी सिने अवार्ड, 7 इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड। अमिताभ बच्चन ने साल 2019 तक कुल 335 अवार्ड को अपने नाम किया। अगर बात करें अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट के बारे में तो हाल ही में उनकी फिल्म गुलाबो सिताबो ने OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रखी है। हर बार की तरह इस बार भी अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाए गए किरदार ने सबके दिलों को जीत लिया। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। अगर शॉर्ट में गुलाबो सिताबो की कहानी जाननी है तो उसे आप सुन सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अमिताभ बच्चन आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रह्मशास्त्र में दिखेंगे। हमें उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से और कहानियों से हमने आपको रूबरू कराया और उम्मीद है आगे भी आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ।